चिली तो आपने खाए ही होंगे, पर इसमें क्या खास बात है? इसमें हमने पालक इतनी डाली है मानो इसमें पालक के अलावा कुछ और है ही नहीं। एकदम हरा हरा, स्वास्थ्य से भरा भरा। I am Popeye the Sailor Man. I have eaten the spinach and bitten the Pluto. I am Popeye the Sailor Man. Popeye को सुन के सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? Spinach. तो जब भी Olive, I mean उसकी girlfriend, किसी मुसीबत में होती थी तो Popeye क्या खाता था? Spinach, यानी कि पालक। क्योंकि पालक बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, इसके अंदर आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी की मात्रा भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है। तभी तो डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा पालक की इंटेक को बढ़ाने के लिए सजेस्ट करते हैं। तो आज हम बनाएंगे पालक चीला, जिसके अंदर पालक की मात्रा सभी इंग्रेडिएंट्स की 80-90% है, और ये खाने में भी बहुत स्वाद बनता है। आप इसको ब्रेकफास्ट में चाय या दही के साथ बनाएं और खाएं। तो आप भी अपनी दिन भर की स्ट्रगल से फाइट करने के लिए पोपाई की तरह स्ट्रांग हो जाएंगे। आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई तो पक्का से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और चलो बनाते हैं पालक चीला। पालक चीला बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3-4 लहसुन, थोड़ी सी अदरक, एक हरी मिर्च, 3 टेबलस्पून बेसन, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड लगभग 250 ग्राम पालक। पालक को सबसे पहले हम धो लेंगे। पालक को अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर या तो वॉर्म्स हो सकते हैं, नहीं तो फिर मिट्टी की किरकिराहट हो सकती है। तो मैं तेज़ पानी के प्रेशर से इसके पत्तों को अच्छे से वॉश कर लूँगी, ताकि इसके पत्ते अच्छे से क्लीन हो जाएं। इसके एक्सेस पानी को झाड़ के अब हम अपने पालक को काट लेंगे। सबसे पहले हम अपने पालक को एक साथ पकड़ के उसकी डंठल अलग कर लेंगे सभी पत्तों की। फिर उनको थोड़ा थोड़ा करके लेंगे और उनको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने पालक को कितना बारीक बारीक काट रही हूँ। बारीक काटने से हमारे चीले बहुत ही अच्छे बनेंगे। पूरे पालक की गुच्छी को आप एक साथ ना काटें, अगर आप इसको पार्ट्स में काटेंगे तो आपका पालक काफ़ी बारीक और अच्छे से कट हो पाएगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब भी आप पालक खरीदें तो मोटे पत्ते या छेद वाले पत्ते ना लें, पतले और साफ पतले वाला पालक ही खरीदें। इस पालक के चीले में अगर आप चाहें तो टमाटर या प्याज डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो, नहीं तो पालक अपने आप में इतना हेल्दी है कि कुछ और चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरीके से हम अपने सारे पालक को धीरे धीरे करके अच्छे से चॉप कर लेंगे। पालक हमारा कट हो चुका है। एक बाउल के अंदर ये पालक डाल लूंगी, ये लगभग 1 कप पालक है। अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 3 टेबलस्पून बेसन। बेसन पालक को थोड़ा सा बाइंड करने में हेल्प करता है। और उसके बाद लगभग 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का फ्लेवर चीले के अंदर बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद डाल रहे हैं हरी मिर्च। इसमें मैंने 2 छोटी हरी मिर्च को अच्छे से चॉप कर लिया है। और अब हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून सॉल्ट। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब हम स्पिनच को और बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से अपने हाथों से स्क्वीज कर लेंगे। इस स्टेज पे हम पानी नहीं डालते हैं। इस स्टेज पे हम कोशिश करते हैं कि पहले हम जो पालक के अंदर का पानी है वो अच्छे से निचोड़ लें, क्योंकि पालक के पत्तों में ऑलरेडी वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसको अच्छे से स्क्वीज करने से पालक का पानी रिलीज हो जाएगा, और फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम अपने बैटर के अंदर पानी डाल लेंगे। हमें अपने बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके की चाहिए कि ये हल्के से बाइंड हो जाए। हमारे चीले के पालक का बैटर बनके तैयार है। अब हम करते हैं चीला बनाने की तैयारी। उसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसके ऊपर डालेंगे 1-2 चम्मच ऑयल। ये तेल हमारा गर्म हो जाएगा, उसके ऊपर हम डालेंगे अपना चीला। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच की स्कूप जितना चीले का बैटर तवे के ऊपर लगाया है। इससे हमारा चीला थोड़ा सा मोटा बनेगा। आप चाहें तो थोड़ा कम बैटर लेकर पतला चीला भी बना सकते हैं। अपने चीले को हम करछी से ही डैप डैप करके
फैला लेंगे चारों तरफ से। देखते ही देखते हमारा पालक का चीला बनके तैयार हो जाएगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बनाना कितना सिंपल है। चीला बनाते हुए हमें फ्लेम को लो मीडियम पे रखना है, हाई पे नहीं रखना है। सहज सहज जब ये पकेगा तो ये खूब क्रिस्पी हो जाएगा। चिली को हम कम से कम 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे एक साइड से अच्छे से पकने देंगे। 1 से 2 मिनट बाद जब वो नीचे से पकना शुरू हो जाएगा तो स्पैचुला से उसके कॉर्नर्स को निकालना शुरू कर देंगे। अगर आप नॉनस्टिक पैन यूज कर रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नॉनस्टिक पैन नहीं यूज कर रहे हैं तो भी ये नहीं चिपकेगा, आप बेफिक्र होके पालक का चीला बना सकते हैं। चीले को अब हम दूसरी साइड पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये देखने में ही कुरकुरा और क्रिस्पी लग रहा है। चीले को हम इस साइड से भी 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। चीला हमारा दोनों साइड से 80% कुक हो चुका है। अब हम इसको दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी देर और अच्छे से पकने देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और इसका पालक अच्छे से पक जाए, ताकि जो इसमें पालक है वो अच्छे से पक जाए। आप चाहें तो इसकी दूसरी साइड पे ऑयल लगा सकते हैं, उससे ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। पर हेल्थ प्रस्पेक्टिव को ध्यान रखते हुए मैंने इसके अंदर ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है। पालक का चीला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है और ये सर्व करने के लिए तैयार है। तो आप इसको स्लाइसेस में कट कर सकते हैं या फिर इसको पूरा सर्व कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे इसकी प्रेजेंटेशन करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। क्यों, बना है ना ये पूरा हरा भरा और देखने में सुपर यमी। मैं इसको पिज्जा कटर से 6 स्लाइसेस में कट कर रही हूँ, मुझे इसकी इस तरीके से प्रेजेंटेशन काफी अच्छी लगती है। तो ये भरपूर फाइबर वाला पालक का चीला बना है एकदम जबरदस्त। पालक चीला हमारा बनके तैयार है, चलो इसको टेस्ट करते हैं कि ये बना कैसा है। ये इतना स्वाद बना है कि लग ही नहीं रहा है कि मैं पालक खा रही हूँ। तो इस पालक चीले को बनाने का ज्यादा वेट ना करें, खुद भी हेल्दी खाएं और अपने परिवार को भी हेल्दी खिलाएं। आपका चीला कैसा बना है अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल आशिमास किचन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप मेरी और भी रीसेंट अपडेट्स पाना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आशिमास किचन को भी फॉलो कर लें। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।